वही राजधानी देहरादून में पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में एक छात्र चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी हाल ही में राजपुर क्षेत्र में हुए रिटायर्ड कर्नल के घर चोरी की वारदात में भी शामिल था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करना पड़ा है। वही इस गिरफ्तार चोर के कब्जे से पुलिस ने 5 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी बरामद की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 13 मार्च को एक घटना हुई थी राजपुर क्षेत्र में। लेफ्टिनेंट कर्नल है श्री गौरव, उनके घर पर एक चोरी हुई थी, नकदी हुई थी और उनके द्वारा एक FIR इस संबंध में 66/2024 थाना राजपुर पर पंजीकृत की गई। पुलिस के द्वारा जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पूर्व गैंग है जो प्रकाश में आए हैं, जो आजकल बेल पे बाहर है, उनसे जानकारी की गई। साथ ही जो सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई की गई, घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले रास्तों पर CCTV कैमरों को चेक किया कि तकरीबन 200 से ऊपर CCTV कैमरे द्वारा हमारी टीम के द्वारा चेक किए गए तो ये पता चला कि एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध उसमें नजर आ रहा था वो रास्तों को डॉच करता हुआ कभी किसी गली में दिखाई देता था, फिर 4 गली में दिखाई नहीं देता था, 5वीं में दिखाई देता था, कभी किसी नाली में घुसता हुआ दिखाई देता था। तो हमारे द्वारा यही पता लगाया गया कि संभवतः यही जो है इस घटना में शामिल है। और जानकारी की गई, मैनुअल जानकारी की गई तो पता चला कि एक नासिर नाम का व्यक्ति जो है उसका रोल इस घटना में पाया गया। कल राजपुर थाना पुलिस द्वारा जो है इसको आजाद कॉलोनी ISBT 6 से गिरफ्तार किया गया और जब इसे पूछताछ की गई तो तकरीबन 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे चोरी के हैं, नकबजनी के हैं, गैंगस्टर के हैं, वो इसके ऊपर थाना विकास नगर और अन्य थाना क्षेत्रों में पंजीकृत हैं। इसके पास से जो कि घटना में बरामद की गई है वो तकरीबन 5 लाख से ऊपर की जो ज्वेलरी है वो बरामद की गई है और 36,000 के आसपास कैश जो है वो बरामद किया गया है और इसके बारे में और जानकारी की जा रही है। हो सकता है इसका आपराधिक इतिहास और लंबा हो, उसके संबंध में भी जल्दी ही हम जानकारी कर लेंगे।